नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे स्टडी सेंटर फॉर यू पर। आज हम पढ़ने वाले हैं अंबेडकर जयंती पर आसान शब्दों में भाषण। तो आइए शुरू करते हैं। माननीय अतिथिगण, शिक्षकगण, मित्रगण और मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, आप सभी को अंबेडकर जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। आज अंबेडकर जयंती के उपलक्ष में हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। आज उनको याद करते हुए, उनको श्रद्धांजलि देते हुए हम ये दिन शुरू करेंगे। आज अंबेडकर जयंती को मनाते हुए मैं आपसे भारतीय संविधान के जनक B.R. अंबेडकर जी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें बताना चाहता हूँ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारतीय बहुज्ञ, विधिवेत्ता, अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ और समाज सुधारक थे। उन्हें डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर के नाम से भी जाना जाता है। उनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू गांव में हुआ। उनके पिता का नाम रामजी मालोजी सकपाल और माता का नाम भीमाबाई था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बचपन से ही प्रतिभा के धनी थे। उनकी प्रारंभिक शिक्षा की शुरुआत सतारा में हुई। वे हिंदू महार जाति से संबंध रखते थे, जो तब अछूत कही जाती थी, और इस कारण उन्हें सामाजिक और आर्थिक रूप से गहरा भेदभाव सहन करना पड़ा था। उन्होंने अपनी मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण की और उन्होंने एलिफिंस्टन कॉलेज में प्रवेश लिया। इस स्तर पर शिक्षा प्राप्त करने वाले अपने समुदाय से वे पहले व्यक्ति थे। उन्होंने बॉम्बे विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र और राजनीतिक विज्ञान में कला स्नातक प्राप्त की। उन्होंने न्यूयॉर्क नगर स्थित कोलंबिया विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर शिक्षा प्राप्त की और लंदन से इवोल्यूशन ऑफ प्रोविंशियल फिनांस इन ब्रिटिश इंडिया के लिए अर्थशास्त्र में PhD प्राप्त की। अंबेडकर का राजनीतिक करियर 1926 में शुरू हुआ और 1956 तक वो राजनीतिक क्षेत्र में विभिन्न पदों पर रहे। अंबेडकर ने भारत की आज़ादी की लड़ाई में सक्रिय रूप से हिस्सा लिया था। उन्होंने जीवन भर सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों एवं दलितों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया। वे स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि एवं न्याय मंत्री, भारतीय संविधान के जनक एवं भारत गणराज्य के निर्माताओं में से एक थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु 6 दिसंबर 1956 को 65 वर्ष की आयु में नई दिल्ली में हुई। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के सामाजिक कार्य और लोगों के उत्थान के प्रति उनके इस योगदान के लिए उन्हें भारत में बहुत सम्मान के साथ याद किया जाता है। वास्तव में 14 अप्रैल अंबेडकर जयंती को न केवल हमारे देश बल्कि दुनिया के अन्य हिस्सों में भी एक वार्षिक त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।